खाऊं हेलो करो वाटरमेलन खाऊंगी हाँ? अभी कुछ बोलो मेरे ये व्यूअर्स को कुछ बोलो कुछ नहीं बोला प्रमोट तो करवा दो यार करो मेरी मम्मी को चैनल का लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो देखिए हाय हाँ क्या है बुला रहे हैं तो फिर क्या है बताइए ना मुझे देखने आए हैं ना तो देखते रहिएगा बिल्कुल से स्किप मत कीजिए फिर चले जाओ जाओ नहीं 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 यार नहीं जाती हूँ मेरे से कुछ तो बात करते नहीं हम कमेंट्स में भी कुछ बोलते नहीं है ऐसे देखते हैं चले जाते हैं थोड़े लोग मुझे देख रहे हैं मुझे क्यों नहीं देख रहे देखिएगा हेलो हाय गुड मॉर्निंग ये मेरा चैनल दीप्तिस पराठा इसमें आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आइएगा देखिएगा और लाइक कीजिए और आपके आजू बाजू आस पास पड़ोस में या कहीं पर भी आप किसी को भी टच में है तो उनको बोल दीजिए मेरे चैनल के बारे में और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऑल ऑप्शन पर जाइए बेल बटन आइए ऑल ऑप्शन पर जाइए उसके बाद मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि आपको मेरे वीडियो देखने का और मौका तो नहीं बोलूँगी देखिएगा मेरा वीडियो और चलिए फिर आज का वीडियो देखती हूँ हम गए थे मार्केट तो मार्केट से जो मंथली मार्केटिंग हम करते हैं वो क्या क्या लेकर आए हैं आपके साथ शेयर करना चलिए देखें देखिए श्यामा कैसे काम कर रही है आज पूरा क्लीन वो स्क्रीन वो जो विंडो कॉटन सब ये निकाल कर रखिए उसका सब जो इस ये सिक्विन कपड़े ना सिक्विन कपड़े के पिलोस ये सब डालकर पूरा क्लीन करेगी उनका देखिए क्लीनिंग मैं जैसी हूँ वो भी ऐसी है पूरा क्लीन कर लेंगे महीने में एक बार तो डीप क्लीन किया जाता है तो हम सब इसे अपने आप कर लेते हैं और श्यामा तो कर रही है उनका क्लीनिंग के आगे हम कुछ भी नहीं पूरा देखिए ये पूरा क्लीन कर चुके उनका जो साइकिल है एक्सरसाइज का ये क्या कौन सा साइकिल है इसको क्या बोला जाता है ये रेगुलर उनका एक्सरसाइज रहता है और ये उनका इधर टीवी इसे बच्चे करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है Music keeps
आज का लंच क्या क्या बना रही हूँ देखिएगा। ब्रेकफास्ट बहुत हल्का फुल्का हुआ था, मैगी और बच्चे भी एग मैगी खाए थे, हम प्लेन मैगी खाए थे, थोड़ा बनाना ऐसे, और लंच लेकिन अच्छी तरह बनाएंगे। मैं आ गई हूँ मेरे किचन में और आज का लंच डिनर सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन आज ब्रेकफास्ट शेयर नहीं कर पाई और इतना काम रहता है, इतना हड़बड़ी से सब करना पड़ता है, तो जब काम करती हूँ वीडियो लेना भूल जाती हूँ, तभी कुछ थोड़े मिस हो जाते हैं। अभी देखिए मैं राजमा बना रही हूँ हमारे उड़िया स्टाइल में, और कढ़ाई में मैं ऑयल ले चुकी हूँ। ऑयल के बाद पंचफूरन जो होते हैं हम वो ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। इसके बाद देखिए जो खड़े मसाले रहते हैं साबुत, वो तेज़पत्ता, जीरा, इलायची, लौंग, काली मिर्च, इस तरह दालचीनी के ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद प्याज ऐड करेंगे थोड़ा। वो भून जाने के बाद अच्छी तरह भून लेंगे प्याज को भी, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद देखिए हम प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ प्याज थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लिया गया है ताकि ग्रेवी थिक बने और टेस्टी लगे। उसके बाद करी मसाला, जो करी मसाला मीन्स वो राजमा मसाला, और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड किए हैं हम। उसके बाद ये गरम मसाला, गरम मसाला नहीं, वो एक्चुअली मीट मसाला ऐड की हूँ। फिर उसके बाद सॉल्ट, फिर धनिया का पत्ता, और तीन बड़े टमाटर को मैं ग्राइंड करके उसका प्यूरे यहाँ ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छा यम्मी टेस्ट देता है और ग्रेवी भी हमारा थोड़ा थिक हो जाता है। तो फिर बाद में हम राजमा ऐड किए हैं। थोड़ा देर भून जाने के बाद प्योर घी 3-4 स्पून हम ऐड कर देंगे ताकि इसका स्वाद थोड़ा एनहांस हो जाए। फिर उसके बाद ही हमारा बनकर रेडी हो गया। तो इसका बहुत अच्छा खुशबू आता है, टेस्ट आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है राजमा के साथ राइस खाना। ये देखिए उसका स्ट्रक्चर इस तरह आया है। उसके बाद देखिए मैं पोटैटो को फ्राई कर रही हूँ। पोटैटो में हम जैसे करते हैं जीरा तड़का लगाकर, फिर प्याज और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, करी मसाला, उसके बाद रॉ बनाना मैं ऐड कर रही हूँ। एक क्यूब कट में मैंने दोनों भी लिए हैं, कच्चा बनाना और पोटैटो को। ये भी बहुत टेस्टी रहता है, यम्मी रहता है। बनाना एक्चुअली कोई इतने अच्छी तरह नहीं खाते, लेकिन इस तरह करने से हमारे बच्चे खा लेते हैं। फिर देखिए शाम हो गया, टी बन रही है, टी के साथ थोड़ा स्नैक्स बच्चों को दे देंगे। तो बेटा भी मांग कर चले गए हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये पाव, आलू के भुजिया और खट्टा मीठा मिक्सचर। ठीक है, खट्टा मीठा, ठीक है, आलू भुजिया, और ये इधर हम खाएंगे चाय के साथ, ये स्वयं खाएगा और मेरे बेटी भी खाएंगे। ये मेरे बेटी को अभी दे देती हूँ, ये स्वयं को। स्वयं बेटा। हाँ जी मम्मी जी। हाँ चलो। श्यामा बेटा, श्यामा बेटा, सो गए हो? अरे आंटी जी मिक्सचर बाद में खाओगे, फिर रिटर्न ले जाते हैं, हम खा लेंगे, वो सोए हैं, उठने के बाद खाएंगे। श्यामा बेटा हमारा चाय। चाय देखकर मन में क्या बोलते हैं, मेरे मन जो है इतना ताजा हो जाता है, पता नहीं इतने सुंदर सुंदर ख्याल चले आते हैं दिमाग में, और लगता है कि यहीं पर ही कुछ कविता लिख बैठूं, क्योंकि कविता लिखना मेरा बड़ा सा शौक है, पैशन बोलिए। उड़िया कविता में मुझे बहुत लिखना बहुत अच्छा लगता है, और चाय के चुस्की के साथ कविता लिखना, कविता पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए चाय जब तक हो जाता है तब तक और दूसरा काम कुछ कर लेते हैं।
अभी जाएंगे आराम से बैठकर पूरी और ये आलू का भुजिया, खट्टा मीठा मिक्सचर ये सब खाएंगे आराम से, फिर रात को डिनर बनाएंगे। हाय हेलो करो, वाटरमेलन खाओगे? हाँ अभी वाटरमेलन, कुछ बोलो मेरे ये व्यूअर्स को कुछ बोलो। कुछ नहीं बोला, प्रमोट तो करवा दो यार, करो मेरे मम्मी को चैनल का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डेली देखिए, डेली देखिए। चलते हैं, थोड़ा सा जो वाटर मेलन है उसको कट करेंगे, सबको देंगे, मेरी बेटी का बहुत फेवरेट है मेलन, कट करेंगे। कुछ काम पड़ेगा तो मम्मी जी, मम्मी जी, मामू जी, कट हो गया। अभी बेटी बोली है ना खाई, तो लेकर चलते हर वक्त ऐसी लगता है जाकर रूम लॉक है। आ गई तो ले लो, लो। कुछ काम चालू है क्या? ये थ्रेड्स है लेकिन कैसा हुआ, गंदा पड़ा है पूरा ये और निडल का। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा स्टिचिंग का जरूरत आ जाता है, तो सब तो मशीन में ही नहीं होता, थोड़े जो बटन्स होते हैं ऐसे थोड़े जो डिजाइन्स होते हैं उसको हैंड स्टिच देना पड़ता है, तो ये सजा के रख देते हैं। कैसे करके रखे, कोई भी थ्रेड ठीक से नहीं मिला। ये मेजरमेंट टेप और ये जो स्टिच खुलने के लिए, यदि टाइट हुआ है तो स्टिच जो होता है ना उसको खोलकर फिर अगेन डालने के लिए अच्छा होता है। और इस तरह हुक्स ये बहुत जरूरत होता है, देखिए ये हुक्स रखेंगे। ये वो बॉबिन, ये एक स्पेयर बॉबिन है मेरा मशीन का। डिनर में क्या बना रही हूँ देखिएगा, किचन में बहुत अच्छा सा एक सुंदर रेसिपी दी हूँ। कुछ तड़का लगाने का जरूरत नहीं, प्याज बघारने का जरूरत नहीं है, और प्लेन चिल्ली एग और पोटैटो जैसा बन जाएगा और इतना आराम से हम खा पाएंगे, देखिएगा। आइए मैं अभी दिखाती हूँ। देखिए हम एग और पोटैटो का झटपट सा एक रेसिपी बना रहे हैं सब्जी, तो पहले से ही वेजिटेबल कट करके ली हूँ, पोटैटो, प्याज और ग्रीन चिली दो दिखा रही हूँ अभी देखिएगा, फिर कैप्सिकम, टोमाटो ऐड करेंगे, धनिया पत्ता है तो आप ऐड कर सकते हैं, फिर उसमें मैं हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, करी मसाला, थोड़ा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, उसके बाद सॉल्ट ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। कुछ पहले से हमें हैरान होकर खाना बनाने का नहीं है। अभी देखिए सॉल्ट ऐड करने के बाद ऊपर से ऑयल देकर मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे उलट पुलट करके फिर इसको ढक दूंगी, तो ये आराम से बॉईल हो जाएगा
और बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है, पूरा चिली जैसा। फिर देखिए यहाँ मैं एग ली हूँ, एग को बॉईल हो जाने के बाद छिले उसको छील लेंगे, उसके बाद हम इस तरह ऐड कर देंगे। तो देखिए कितना झटपटा सा बहुत सुंदर रेसिपी बन गया एग और पोटैटो का, कितना सुंदर लुक आ रहा है देखिएगा। यहीं तक था, और थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन आएगा उसको भी क्लिक कीजिए, और ऑल ऑप्शन पर जाइए, मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। आज यहीं पर विदा दे दीजिएगा, कल फिर मिलती हूँ, टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, नमस्कार, जय जगन्नाथ।